ने गई महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस पर ही मारपीट का आरोप लगा है। पलेरा कस्बे के पूछाहाल इलाके की रामदेवी घरू बुधवार को पैसे से निकालने के लिए स्टेट बैंक ब्रांच पहुंची थी। काफी देर तक कतार में खड़ी रही। जब काउंटर तक पहुंचने का नंबर आया तो उससे पहले एसआई अमित मिश्रा और आरक्षक मनोज यादव ने तीन चार लड़कियों को महिला के आगे खड़ा कर दिया। इसका महिला रामदेवी ने विरोध किया। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ पिटाई की और बचाव करने आए उसके पति की भी धुनाई कर डाली, साथ ही बैंक पासबुक भी फाड़ दी गई। पीड़ित महिला जब थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से ही इनकार कर दिया। वहीं पीड़ित महिला ने अब एएसपी से मुलाकात कर शिकायत की है। वहीं पुलिस अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। पैसे निकालने के लिए गए थे तो वहाँ लाइन में खड़े थे तो हम आगे पीछे वाले को आगे कर दिया, हमको पीछे कर दिया तो हमने उससे बोला गया था क्यों कर रहा तो हमको गाली देने लगा मनोज यादव। वो बोला कि तू अभी आई है और आगे लग गई, अब तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तू बाद में मिलेगा। फिर हम लोग वो हमको गाली देने लगा तो हमने बोला गाली क्यों दे रहा है, वो तो उसने जूता उतार के हमको मारने लगा। संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है इनके द्वारा, इनके प्रकरण आवेदन पत्र चूंकि उन्होंने मुझे दिया है, उस प्रकरण की जांच की जाती है। यदि जांच के दौरान ये तथ्य पाए जाते हैं कि पुलिस द्वारा कोई अभद्रता की गई है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अब बात ग्वालियर के गजरा राजा।